I have seen Donkey, and you know Donkey Diaries was released with Shah Rukh Khan, Bano and Rani. And I didn't want to watch it before watching the movie. Now I have seen the movie. You can check out the review on the main channel. But let's hear them out. What they have to talk about, inside details, all of those things. Maybe it you know makes the experience better. But uh, if you haven't seen the original, I'll put the link in the description. You can check it out. Let's watch. Hello everyone. Namaskar. Adab. I am Shah Rukh Khan. And I am here, way, have here because ke kar diya hai डंकी किस बारे में है मतलब की कहानी क्या है या ढुमकी के अंदर डोंकी का रोल कौन कर रहा है तो मैं तंग आ चुका इसलिए मैंने सोचा कि यहां पर राजकुमार हिरानी जी जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं उनको बुला लू और हमारी जो तापसी पन्नू जी उन दोनों को बुला लूं कि एक बार सर आप इसकी ना क्लैरिटी दे दीजिए पूरी कहानी बता दीजिए कि ये सवाल जवाब का सिलसिला जो है एक बार खत्म हो जाए मेरे लिए प्लीज पूरी कहानी बता दो आप सर पूरी कहानी बता देंगे तो फिल्म देखने कौन आएगा यही That is why राजकुमार हिरानी इस राजकुमार हिरानी अपने ये इंटेलिजेंट बात सोची नहीं कि कहानी बता देंगे क्या तो देखने को नहीं आएगा हम तो बता देते और फिर कोई देखने नहीं आता लेकिन सर जो है अपनी पिक्चर की कहानी बताते नहीं है ट्रेलर में भी नहीं बताते <laughs> हॉल के अंदर ही दिखाते हैं तो सर अब हम � क्यों लोगों को समझ ही नहीं आ रहा डंकी क्या है तो बता तो तो डंकी हम 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 क्या है, है और हम क्यों मना रहे ओके लेट्स लेट्स स्टार्ट सर कि आपने जब फिल्म शुरू की थी आई तो डू uh, मिले इमेज ऑन द स्क्रीन एंड टेल यू टेल हाउस ये कोई सीजी so, hmm. yeah. yep. so, एक, एक नहीं है ये एक घर एक है जलंधर में जलंधर oh. के आसपास ये घर आप देख रहे हैं उसके ऊपर ये इतना बड़ा जहाज सीमेंट का बना हुआ है ये है। एक्चुअल और ऐसा ये एक घर नहीं है ऐसे कई घर है जहां छतों पे जहाज लगे होते हैं okay. तो जानने की खुशी कि घर है क्यों है तो ये भी जाइए तो खैर जब हमने फिल्म बनाने की सोची रिसर्च के लिए गए तो इस घर के पास भी गया तो ये सर वहां कल्चर है कि जिन घरों के बच्चे या घर का कोई एक फैमिली मेंबर विदेश पहुंच जाए लंडन कनाडा अमेरिका जहां पहुंच जाए शाहरुख इज एक्टिंग जहाज लगा देते हैं हमारे घर का कोई ना कोई जो है विलायत चला गया हाँ बाहर चला गया कोई कोई ना एंड दे कीप इट लाइक विलायत एक्चुअली मैंने भी दो चार बार शूट किया पंजाब में या एरिया में अराउंड पंजाब तो मैंने भी देखे ऐसे बट मुझे मालूम नहीं था कि ये इसलिए लगाया जाता है

फैमिली में से एक आदमी चाहता कि मैं विदेश सेटल हो जाऊं। उसका भी अब वो कल्चरली बैकग्राउंड है कि फिफ्टीज में वर्ल्ड वॉर के बाद uh, काफी सिक्स सोल्जर्स वेद फाइटिंग फॉर देम। फिर वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया वहाँ काफी लोगों की कमी हो गई लॉट ऑफ मैन वेद नॉट इन फ्यूअर मैन दैटिंग मोर टू वर्क फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज तो उन्होंने पंजाब से काफी लोगों को बुलाना शुरू किया कि आओ हमारे यहाँ काम करो okay. तो वो जाके वहाँ काम करने लगे फिर सिक्सटी टू में आई थिंक वन में वो एक एक्ट आ गया जिससे बंद कर दिया अब तो इनके परिवार डिवाइड हो गए कि आधे लोग वहाँ रह वहाँ है, है किसी का भाई वहाँ रह रहा है किसी का मामा चाचा वहाँ आए तो अब इनको लगता था रह, हम भी जाए गुड लाइफ देर अब उनको वीजा मिलने आसान नहीं रहे तो फिर धीरे धीरे ये शुरू हुआ इलीगली जाना जिसको तो जिस रूट से वो जाते थे उसको डोंकी रूट हाँ। कहते हैं तो डंकी मारना हो गया एक बार छह आठ आठ महीनेकी मुझे लगा कि अच्छा ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उससे मुझे लगा इसमें कुछ कहानी है शायद कुछ कहानी है फाइनली क्यों आदमी इंसान वहाँ जाना चाहता है क्यों अपना घर छोड़ना चाहता है कुछ तो बात होगी तो फिर हमने रिसर्च करनी शुरू की कि एक बहुत खूबसूरत लाइन है हमारी फिल्म में कि डंकी का मतलब होता है अपनों से दूर रहना हम घर actually, mm. आकर, mm. रह सकें अपने फैमिली के साथ रह सकें यहीं गुजारा करें और कभी कभी हो जाता है जो फॉर्चुनेट है और कई बार नहीं होता एंड नेक्स्ट चीज क्योंकि आपने वो मैं रिमेम्बर जब आपने मुझे इमेजरी भेजी थी वहां से तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा था yeah. कि लोग वहां पे जाने yeah. के लिए जो तपस्या करते हैं कोशिश करते हैं दुआ करते हैं सो इज अ होल गुरुद्वारा डेडिकेटेड टू दिस कहते हैं वीजा वाला गुरुद्वारा uh -huh. कहलाया जाता <laughs> है <ही. laughs> और uh, अब इस गुरुद्वारे में जाए तो बाहर दुकानें हैं जहां पे खिलौनों के जहाज टॉय नाउ दिस दिस इज जस्ट अ स्मॉल सीन ऑफ दिस बट दे डोंट एक्सप्लेन दैट दिस थिंग एक्सिस्ट लाइक इट्स नॉट इवन टू नो फ्रेम वेर दे आर होल्डिंग स्पेशल प्लेन्स रखे होते हैं लोग वो खरीदते हैं और अंदर जाके चढ़ाते हैं अपने साथ पासपोर्ट ले आते हैं पासपोर्ट दिखाया जाता है भगवान की तरफ और दुआ यही मांगी जाती है कि भाई हमारा वीज़ा लगवा देना कुछ करना हमारा वीज़ा और मैंने कई लोगों से बात की वहाँ पर जो लोग हैं जो काम करते हैं उनसे भी बात की तो वेरी नाइस पीपल उन्होंने कहा कि देखिए ये तो विश्वास है पता नहीं होता है नहीं होता है पर इतना विश्वास है कि हजारों की तादाद में रोज लोग आते हैं जहाज चढ़ाते हैं पासपोर्ट दिखाते हैं और कहते हैं और कहते कि हमारा वीजा लगा। तो उसका नाम ही है वीज़ा वाला गुरुद्वारा ये नेक्स्ट बात uh, जो मैं बता रहा था कि स्ट्रीट्स के आपने बहुत सारी फोटो कनेडियन ट्रैवल्सिंग कनेडियन ट्रैवल्स ये तो डेफिनेटली पहुंचा देंगे कनाडा uh, मेरी अंग्रेजी से मुझे तो स्पेलिंग में भी मिस्टेक नहीं लग रही है तो ठीक है हम तो ऐसे ही लिखते हैं हां करेक्ट uh, और पुर्तगाल फ्रांस स्पेन स्टडी वर्क टूरिस्ट ये सब चीजें वहां लगी हुई है तो ये सर छोटा सा गांव है आबादी भी पता नहीं कुछ चंद तो में होगी लिखा है कि तूसी पुर्तगाल फ्रांस स्पेन जाना चाहंदे हो Uh, I mean, that's Punjabi. Punjabi. Yeah. So, तो ये दीवारों पे जैसे हमारे यहाँ फिल्म के पोस्टर होते हैं वहाँ ये पोस्टर लगे होते कि कहाँ जाना चाहते हो आप दैट्स अ सच अ बिग थिंग इन नॉर्थ नॉट जस्ट पंजाब लाइक आईलेट्स लाइक इन द मूवी ट्रेलर इफ यू सीन आईलेट्स इज द एग्जाम यू गिव दैट यू गेट सो इफ यू क्वालिफाई दैट यू कैन अप्लाई फॉर वीजा इट्स इजियर काइंड ऑफ थिंग एंड इट्स एवरीवेयर इट्स लाइक यू नो हाउ आकाश एंड ऑल दिस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर देयर सिमिलर के बारे में बताओ ये जो ऑब्वियसली uh, ये <laughs> वीजा है, जो इंजीनियरिंग हाँ। जो तू पढ़ाई कर रही थी हाँ जी। बड़ी सड़क के साथ इंग्लिश क्लासेस भी होती हैं तो वहाँ जो सारी अंग्रेजी क्लासेस चलती है मुझे याद है तो एक दो इंग्लिश क्लासेस में भी तो मैं गया कोविड का वक्त था तो मैं मास्क लगा के मैं पहुँच गया सड़क पे तो मैं क्लास में घुस गया और मैंने कहा मुझे इंग्लिश सीखनी है तो पहला ही सवाल था कि इंग्लिश सीखनी की डंकी मारनी है <laughs> वो फैसिलिटी भी है मतलब मैंने कहा ना जी मुझे इंग्लिश सीखनी है तो वो मुझे ले गए क्लास के अंदर मैंने कहा ट्रायल लेना है मुझे तो हाँ जी बैठ जाओ और मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग ये था कि ये तो दिख रहे थे बेचारे की गाँव के लोग हैं जो टीचर थी देव अ गर्ल बी अ

द ब्यूटी ऑफ ऑल दिस हम क्यों बता रहे हैं और दिखा रहे हैं क्योंकि फिल्म में ये सब रियल इंसिडेंट जो है इनको uh, अभिजात और राजू सर ने uh, फिल्म के अंदर डाला है सो विल शो दीडियो नाउके आई थिंक

और मैं इनसे ये भी बात सीख गया एक्टिंग के बारे में कि अगर सटल एक्टिंग से ना चले तो गला दबा के <laughs> अब तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं अगली फिल्म में मेरा नेक्स्ट जो गाना होगा लुटपुट का सेकंड पार्ट वो ऐसे ही होगा आई एम आई एम राइटिंग अ लेटर ये सब तो करके दिखा दो सर एनर्जी लेवल तो देखो सर बिल्कुल मतलब एकदम सुप्रीम लेवल पे है तू डांस करके दिखाइए वाला

और okay. इसके बाद मुझे काम मिलना बंद हो जाएगा बट <laughs> <मुझे दाएगा। But laughs> वो सब सब का यही <laughs> <laughs> हाल है है कोई टेंशन नहीं उसके अंदर <laughs> ये वो ना मुझे ट्रेनिंग लेनी थी मुझे पहली चीज बताई गई थी अच्छा इसके लिए प्रेप करना है आपको डंकी के अंदर अच्छा, अच्छा मतलब पंजाबी और हिंदी वो तो सही है आपकी आप एक काम को का आप कुश्ती सीख लो लोका ये पिक्चर मुझे लगा था मैंने वो जो पाँच छः अपनी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड वाली फिल्में जो थी वो का फाइनली करने के बाद मुझे लगा अब मैं हीरोइन हूँ, अब मैं शाहरुख खान <laughs> के साथ रोमांस करूंगी आ, पहली चीज मुझे बोलिए कि कुश्ती सीखनी है मेरे साथ रोमांस करोगे तो यही मजे करोगे <laughs> और मैंने कहा ये और पटकना भी आपको ही है मैंने कहा ये कैसा रोमांस है यार <laughs> इसमें शाम ओ, कौशल जी हैं हमारे फाइट मास्टर सर शाम कौशल जी मुझे मैंने जितनी भी दिस इज फन नाउ बिहाइंड द सीन स्टफ इज फन ओके उसमें एक्शन डायरेक्टर हैं पर आप तो जानते मेरी पुरानी फिल्मों में कितना ज़्यादा एक्शन होता है <laughs> तो ज़्यादातर <laughs> <क्यों> वही रहते हैं <laughs> <laughs> तो है? कि एक थप्पड़ मारा या कि हमने थ्री एडियट्स में पानी की टंकी में बैठा दिया था लोगों को तो रिस्क था कि गिर ना जाए तो उनको तारों से बांध के रखा था तो उनकी सेफ्टी के लिए अच्छा फैमिली हमेशा कहते थे कि यार तुम मुझे बस इतना ही एक्शन देते हो कि सेफ्टी के लिए हो या थप्पड़ मार रहा है या जा सके गिरा दिया किसी को तो मुझे स्क्रिप्टिंग के टाइम अपने साथ बैठा लिया करो तो मैंने कहा सर मेरे स्क्रिप्ट में होता ही नहीं है कुछ ज़्यादा एक्शन होता ही नहीं है तो नहीं, नहीं जब आपका हीरो घर से निकल के वो गाड़ी तक जाएगा तो मैं स्क्रिप्ट में चार गुंडे बीच में तो कुछ हद तो तक एक्शन है और आपने और भी बदला लिया के बेटे को विकी कौशल पिटवा दिया फोटो के गुंडों से उन्हीं के गुंडों से पिटवा दिया शाम जी सी के यार बेटे के साथ एक्शन है तो बहुत वरीड हो जाते थे हां ये हमारी फिल्म का मोटिव है एक्चुअली uh, मुझे मुझे बहुत खूबसूरत लगती है फोटो मेनली बिकॉज ये, uh, ये uh, हम बार बार बोलते भी रहते हैं अभी हम अपनी मैसेजिंग में फिल्म के कि ये जर्नी है ये होम कमिंग की फिल्म है ये इमोशंस की फिल्म है बट आई थिंक इस फिल्म का क्रक्स जो है इफ आई से सो फ्रेंडशिप दोस्ती ये hmm. पांच लोगों की जो दोस्ती और लोगों की भी बट बेसिकली बेसिकलीस फाइव स्टैंड फॉर द फ्रेंडशिप एंड क्या दोस्तों के बीच में शेयर होता enjoy, है क्या उतार चढ़ाव होते हैं क्या प्यार होता है क्या मोहब्बत होती है क्या तकरार होता है क्या गुस्सा होता है आई थिंक ये पांच उसको सिग्निफाई करते हैं मैं जब भी राजू सर की फिल्में देखता हूँ आई एम श्योर यू विल एग्री विद मी आई थिंक सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं फिल्म के अंदर एंड मेरा ये मानना है कि फिल्म तभी अच्छी होती है जब बहुत सारे कैरेक्टर्स हों फिल्म में uh, क्या एक दो लोग हों और चलते जा रहे हैं तो थोड़ी देर में mm. मेरे जैसे हैंडसम आदमी को भी देख के लोग बोर हो जाते हैं बट यू नो फिल्म हैज न्यू कैरेक्टर्स कमिंग इन जंपिंग थ्रू एंड एंड विक्रम एंड अनिल

जो वहां पे पैसे दे जाते हैं उन वो वाला कैरेक्टर मुझे बनाया था कि यहाँ पे अब खड़े यो क्या बोलते हैं लाइफ लिविंग स्टैचू तो वो मेरा मेरे को खड़ा किया था एंड विद इन फाइव टेन मिनट्स कैमरा रोल हो रहा था और पता नहीं था किसी को कि फिल्म शूट हो रही है यहाँ पे एक्चुअली मैं पाँच दस मिनट के अंदर लोग वहाँ पे सिक्के डाल गए थे <laughs>

सुबह क्लास में जा गए और तो मुझे लगा था अब नशे में ऐसे होंगे फिर आप अचानक मैं देखा शॉर्ट शिफ्ट तो आपने नींबू निकाला चाटा और विगी को दे दिया और उसने भी चाट दिया <laughs> <laughs> तो अभी भी सर आ, हम वीकली बेसिस पे मिलके पर मिल के सर ये जेल है एक हमने इतने कंट्रीज़ देखे उन कंट्रीज़ में एक

मैं बहुत बहुत ही मेथड में एक्टिंग रहा हूं बस पर. <laughs> कोई मान नहीं, चला। नहीं। चला। ना बात बता देते हम थोड़ा सा रेडी हो जाते दे तो दे शौक देखे जा रहे हैं ये ये स्वीट पिक्चर पिक्चर है सर मुझको आप दे देना प्लीज घर <laughs> में लगा ये वो ग्रेवयार्ड है मेरे साथ आपसे ही है कि मुझे राजू सर ने ऐसा मुझे ना ना ये he was trying right from beginning कि मैं मैं इस फिल्म में में वो ना करूं जो मैं दूसरी फिल्मों कर चुका तो मैं ठीक तो तो। <laughs> <laughs> तो है कर ये दावे से कह सकता हूँ कि मेरा जैसा रोमांस कब्रिस्तान <laughs> में नहीं 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 <laughs> होता इसका इंस्पिरेशन अमेजिंग जो है ना बिकॉज इवन रोमांटिक लाइक मी नीड इंस्पिरेशन so अभी जात ने कहा कि मैं एक्टिंग करके दिखाऊंगा and he worked out the whole sequence कि कैसे ये sequence अपने romance में आ गया I would love to show you that video ये अभी जात है एकदम उठते हैं oh my god he's, चारों तरफ देखते हैं he's playing you by the way he's playing me ये कहाँ है मैं किधर हूँ <laughs> oh <-ho, laughs> आराम से चुपके से यहाँ से निकलना बनता है बिल्कुल आवाज नहीं करूँगा लेकिन ये कब्रिस्तान <laughs> <थाँगा। laughs>

ये मैं तो वो ही वो वन ऑफ दोस डेज या या जैसा वन ऑफ दोस डेज सेकंड बारी राजू सर निकल जाओ मेरे सेट से और तब तक चेहरा मत दिखाना जब तक ये तो बहुत बार हुआ है लेकिन आप भी बहुत ढीठ थी वापस आई गई मैं गई मैं गई नहीं वहां से करके जाऊंगी पूरी शूटिंग खत्म

I hope people also enjoy it as much as we have enjoyed enjoy, doing yeah, this. Absolutely, sir. Yeah. I had the greatest fun. Actually, for me, I always say mm -hmm. that the most challenging film was this because locations. Yeah. Locations. In addition to that, the story is such a story that it is a real-life story. And we needed humor, drama, everything. Hmm. And, but I had, I should say, I had total fun. Total it's a difficult fun. film Make it, but I think it. we all had uh, lots yeah. of fun. And sir, now you are saying this real life. I just want to. टूदर प्लेस hmm. कि क्योंकि ये फैक्चुअल <coughs> कहानी है असली चीजों पर बेस्ड है इमोशन वाइज होम कमिंग पे बेस्ड है अपने ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए देश से बाहर जाना स्टेट से बाहर जाना लोकेलिटी से मोहल्ले से गाँव से हम सब लोगों ने किया है ये सब इमोशंस uh, को hmm. ये दर्शाती है एंड आई जस्ट वॉन्ट टू शो समी इमेजरी जो ज्यादा हम नहीं बताना चाहेंगे कि पीपल जो ट्रेवल करते uh, जैसे ये कोई पानी का हिस्सा होगा उस डंकी ट्रैवल के अंदर हाँ. उधर से निकल के जाना 10 the लाख भी <coughs> इलीगली करते हुए और कितने निकलते होंगे तो बहुत ज्यादा होगा इंडिया से भी बहुत है अब थोड़े तरीके बदल गए सर हम लोग तो क्या ना हम लोग जहाँ रहते हैं जैसे रहते हैं हमको ये कभी वीजा का प्रॉब्लम लगा नहीं आप अगर स्टैटिस्टिक देखें तो वीज़ा तो छोड़ दिए इंडिया में सिर्फ सात परसेंट लोगों के पास पासपोर्ट है पासपोर्ट hmm. तो कोई भी बना सकता है पर सिर्फ सात परसेंट इस देश से लोग सोचते हैं कि हम बाहर जाने की सोचते हैं पर उसमें से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जाने के लिए जो वीज़ा लोग लगवा सकते हैं क्योंकि जिनके पास पैसे हो एजुकेशन हो वो बहुत ही मिनिस्कुल पॉइंट में लोग लगवा सकते हैं तो बाक़ी को अगर कोई जाना चाहे और उनके पास ये नहीं है तो फिर वो ऐसे ही निकलते हैं तो मैंने भी एक इमेज देखा था जिसमें हज़ारों ऐसी लाइफ जैकेट लाइफ जैकेट्स पड़ी हुई है uh, क्योंकि वो छोड़ के भागते हैं आगे एंड देन दे स्पेंड टाइम इन दैट कंट्री इीगली कि दूसरी oh. कंट्री में जा सके एंड इट्स वेरी वेरी कई कई बार मेरे को ऐसा लगता था कि ये कोई एलियन सब्जेक्ट है क्योंकि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ मैं सिटी oh. से लेकर हूँ मैं पढ़ा <laughs> लिखा हूँ मुझको लाइफ हैज बीन इजी मैं एजुकेटेड हूँ आई एम वेल टू डू तो मुझे वीजा मिल जाता है एक इंटरव्यू के लिए उल्टा हम उसके लिए भी जो है कहते हैं यार कि दो घंटा पहले बुलाया चार घंटे सवाल पूछे ना आई थिंक द फैक्ट दैट सो मेनी पीपल वांट टू टू गो इफ आई मे कॉल ग्रीनर पैस्टर्स और बेटर रिसोर्स या समथिंग अपने काम करने के लिए तो वो ऑप्शन नहीं होता उनके पास जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है हमारी hmm. फिल्म में एक जगह पे कहा गया है कि पुअर पीपल डोंट गेट द राइट टू ट्रेवल हु मे नीड इट द मोस्ट क्योंकि दे टू गो आउट एंड ट्राई एंड वर्क इन डिफरेंट गेट अ जॉब

होती है जो दिल को छू जाती है सो so, वो देखेंगे आप तो समझेंगे होपफुली इनशाला लेकिन एक क्या बोलते हैं पंजाबी में चुल्ह रह गई सर मेरी फिर भी चलो पिक्चर अच्छी बन गई आपने पिक्चर में कास्ट कर दिया मेरा लाइफ ड्रीम था राजकुमार हिरानी के साथ काम करना <laughs> वो भी हो गया आ, दो हजार ट्रायल ट्रायल के तापसी को फिल्म से निकालने के <laughs> फेल हो गए उस उसमें बट हैविंग सेट देट जब मैं आया था सर आपके पास पहली बार आई डोंट नो मैं ऑफिस पहुंच गया था सर के कि मुझे पिक्चर में ले लो अब कोविड के दौरान तो वहाँ पे मैंने ना पोस्टर्स देखे थे तो मेरे को वैसे भी इन में कोई लेता नहीं है तो मैंने ऐसे देखा ना आमिर खान इन पीके फिर ऐसा था वो मुन्ना भाई संजय दत्त इन मुन्ना भाई तो मेरा बड़ा शौक़ था सर कि मैं आपकी पिक्चर के अंदर इन हो जाऊँ <laughs> मैं ही भी कहता रह गया था सर ने कहा कि हाँ शाहरुख मैं तुमको हमारी पिक्चर का नाम है डंकी तुमने तो कहा डोंकी

पर सर ये ये मुझे लगता है उससे बड़ा हो गया सर क्या बात कर रहे हाँ सर, हा, सर टाइटल में नहीं है पर सर हमने फिल्म में आपको एक आपके पूरा एक गाना बनाया हुआ है सर ओनली फॉर मी ओनली फॉर यू एंड ओनली अबाउट ओनली अबाउट लुक्स अब मैं बोलता नहीं हूँ सर आपको मैं उसका एक अभी अभी फ्रेशली कट बट और तो नहीं है सर What? उसमें तापसी विक्की वगैरह के बारे में तो उनकी तारीफें है तुनकी तुनकी नहीं तुनकी? <laughs> सर आप ही की तारीफ है सर अनिल की आपकी भी नहीं अभी जात की सिर्फ मेरे सामने लगे रहो मुन्ना भाई में गांधी की तरफ की थी कि बंदे में था दम हां <laughs> वैसा टाइप का मुझे किया वैसे टाइप का ही कुछ गाना है सर और माचो गाना है ना सर एकदम सर सॉलिड लगूंगा मैं आपको दिखाता हूं सर चलो सर गाना दिखाओ ये पिक्चर का ना ऐसी कैसी डिस्क्रिप्शन आज की तारीख में कोई को डर लग नहीं पहुंचा Thing is shown in like the song moment, so it just passes by. You know, they could have him. Fajr Sab, मुझे मेरे देश में कोई खतरा नहीं है मेरा देश जैसा है मेरा है मैं यहां रहने के लिए अपने देश को गाली नहीं रिलीज। ठीक है सर मेरी लाइफ तो बन गई मुझे तो सही। <laughs> आप लोग देख लो प्लीज राजू सर तापसी विक्रम अनिल यहाँ पर नहीं है विकी यहां पर नहीं है बमन साहब अभिजात जितने भी लोग इस फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं

नहीं हूं नहीं? नहीं? <laughs> नहीं, आप आप ही आप हो सर आप ही आप हो तो गाना भी दिख रहा है पर सर, गाना नहीं... नहीं मतलब दूसरे को जाता है तो बोलता है ये मैं कर लू यार अब ये शौक है सरप्राइज के बाद अब आप देख लो ठीक है सर ये अब बातचीत हम खत्म कर देंगे यार देखूंगा ट्वेंटी फर्स्ट दिसंबर को मैं तो जा रहा हूँ थिएटर में फर्स्ट डे फर्स्ट शो फर्स्ट टिकट लेकर मैं हूं कि नहीं, नहीं हूँ <laughs> और हमारी यही आपसे है कि आप भी जाकर देख लो कि मैं हूं कि नहीं <laughs> <coughs> <मैं उसमें> हूँ <laughs> और अगर मैं नहीं हूं तो मुझे फोन करके बता मैंने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी राजू सर की अगर मुझे पिक्चर में से निकाल दिया बट थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू एंड पार्ट ऑफ दिस शो थैंक यू That was good. That was fun, and I think I sent my review also. That maybe it's a topic not everyone will understand or connect to. So I think making this video and explaining it, and you know, giving a brief idea what the film is about basically. So I think you get prepped, you know, going in what you are going in for. And I know, you know, the film maybe emotional level when a film works for you, it just works for so you. Don't see anything else. For me, there were emotions, everything as a film, you know, as a family entertainer, it works, but when you try to go deep and you know analyze the scenes and it why things are not working why it's not as good as his previous films what is going wrong where that scene you know, it starts to break down and you see the faults uh, flaws whatever so yeah it was fun uh, Rukh is witty is like he you know uh, what do you call it self uh, joke making jokes on yourself is really good self self deprecating jokes and he's so good at it you know always makes you laugh uh, adapts is amazing raju hirani uh, you know outstanding filmography What uh, this one i don't know but have you seen it let me know in the comments below and then you can check the video next and i will see you next time